तो तेज हवा, बारिश और आफत, दरअसल मौसम बदल रहा है, मौसम लगातार करवटें ले रहा है। आज भी तेज हवा और बारिश का कहर देखने को मिला है, लेकिन किसानों को इससे भारी नुकसान हो रहा है, कई दर्दनाक हादसे भी हो रहे हैं। गुरुग्राम में 6 बच्चों की डूबने से और फरीदाबाद में एक युवक की डूबने से मौत हो गई, जिसके बाद सुबह एक और अनहोनी की खबर सामने आई पिहोवा से, जहां पर क्या कुछ हुआ आप इस रिपोर्ट में देखिए। दिल्ली एनसीआर में मौसम लगातार करवटें बदल रहा है। मौसम की करवट के साथ ही सब कुछ तहस नहस होता हुआ दिखाई दे रहा है। हरियाणा की अगर बात करें तो एक तरफ जहां जगह जगह प्रशासनिक दावे हवा हवाई दिखाई दे रहे हैं, तो वहीं कई हादसे भी हो रहे हैं। दिल्ली एनसीआर से ही सटे हुए गुरुग्राम और फरीदाबाद से पहले ही दर्दनाक हादसों के मामले सामने आ चुके हैं, जहां गुरुग्राम के सेक्टर 111 में 6 बच्चों की डूबने के कारण मौत हो गई, तो वहीं फरीदाबाद में एक व्यक्ति की मौत का मामला भी सामने आया। तो वहीं आज सुबह सवेरे ही एक और अनहोनी की खबर पिहोवा से भी सामने आई। पिहोवा में तेज हवा और भारी बारिश के कारण एक पेड़ झुग्गी पर गिर गया। इस हादसे में एक मासूम बच्ची और 2 महिलाओं की मौत हो गई। ये हमारे पास सुबह करीब 7 बजे के करीब ये 3 आए थे पेशेंट, जो कि ब्रॉड डेड थे। हमने पूरे प्रोटोकॉल के साथ ऑक्सीजन वगैरह लगा के इनको चेक किया, सारे इसके वाइटल्स वगैरह रिकॉर्ड नहीं हो रहे थे, बीपी और पल्स, और सब प्रोटोकॉल के द्वारा हमने सारा कुछ सीपीआर वगैरह इनको इसको दिया, लेकिन ये रिवाइव नहीं कर पाए। इसको ये बीपी रिकॉर्ड हो नहीं पाया इनका, और हमने ईसीजी वाले हमारे एक्सरे भी टेक्नीशियन को भी बुलाया हमने, और ईसीजी करवाई, तो ईसीजी में प्लेन लाइन थी, तो जिसमें शो था कि ये ब्रॉड डेड आए थे। तो कितने दिन की सर ये डॉक्टर साहब बच्ची थी? बच्ची ये करीब कह रहे हैं इसको 2-3 दिन पहले छुट्टी मिली थी यहाँ से, करीब 5-6 दिन की होगी। और जो एक 2 लेडीज थी, एक 20 साल की थी, एक 50 साल की। एक तरफ जहां इस तरह के हादसे हो रहे हैं, तो वहीं पिछले काफी समय से मौसम के बदलने के कारण किसानों की भी चिंता बढ़ रही है, क्योंकि पहले ही किसान मौसम की मार का सामना कर रहे थे, तो वहीं ये मार लगातार झेलनी पड़ रही है। अब जो किसान अपनी कटी कटाई फसल लेकर मंडियों तक पहुंच भी रहे हैं, तो उनकी फसलों की खरीद भी नहीं हो पा रही है, जिस कारण किसानों को भी भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। भारी बारिश के कारण किसान हो या समाज का कोई भी वर्ग, हर कोई परेशान है। जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। जीवन अस्त व्यस्त हो चुका है, लोगों को भारी परेशानियों का सामना जो है वो करना पड़ रहा है। आम लोग हो, उनको भी घर से बाहर निकलने से पहले 10 बार सोचना पड़ रहा है, क्योंकि सड़कों पर इतना ज्यादा जलभराव हो चुका है, सड़कों पर गड्ढे जो है वो दिखाई नहीं देते, कभी भी कोई बड़ा हादसा हो जाता है, और ऐसे हादसे हो रहे हैं। तस्वीरें भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, ऐसी खबरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर भारी बारिश होने के बाद जलभराव की स्थिति पैदा हो गई और उसमें डूबने से बच्चों की मौत हो रही है, बल्कि बड़े भी उसमें डूबकर मर रहे हैं। तो ऐसे में इन खराब हालातों का जिम्मेदार कौन है? देखिए, मौसम करवट लेगा या नहीं लेगा ये बता पाना मौसम विभाग का काम है, और मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट भी किया गया था, बावजूद इसके व्यवस्थाओं को दुरुस्त नहीं किया गया। अगर समय रहते व्यवस्थाओं को दुरुस्त कर लिया जाए, इंतजामों को पुख्ता कर लिया जाए, तो शायद इस तरह के मामले होने से बच जाए। तो देखिए, बारिश के चलते हालात खराब हो रहे हैं, सड़कों पर जलभराव हो रहा है, तो वहीं खेतों में भी किसानों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और इसी पर ज्यादा जानकारी देने के लिए, ग्राउंड रियलिटी क्या है इसके बारे में बताने के लिए मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़ गए हैं। मेरे साथ गुरुग्राम से संजय राठौर जुड़े हैं, इसके साथ ही मेरे सहयोगी फरीदाबाद से राजेंद्र भैया भी मेरे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले
संजय मैं आपका रुख करना चाहूंगी, गुरुग्राम की अगर बात की जाए आज भी मौसम जो है वो कैसा बना हुआ है, सुबह से अगर बात की जाए तो बारिश कितनी और कैसी हुई है, साथ ही ये भी बताइए कि दिक्कतें क्या आ रही हैं वहां पर लोगों को। जी बिल्कुल सिरिश जी, मैं बताना चाहूंगा गुरुग्राम की मैं बात करूं, जिस तरीके से बीते चार दिन से लगातार गुरुग्राम में बारिश हो रही थी, उसके बाद कहीं ना कहीं गुरुग्राम की जनता को काफी परेशानी उठानी पड़ रही थी। उसी के साथ साथ गुरुग्राम में छह बच्चों की बरसात के कारण जो पानी जमा हुआ था उसकी वजह से उनकी मौत हो गई, तो ऐसे में कहीं ना कहीं एक लापरवाही जरूर देखी गई है, क्योंकि जिस तरीके से जिला प्रशासन के दावे हैं वो हर बरसात में कहीं ना कहीं वो खोखले साबित हो रहे हैं। यही एक बड़ा कारण है कि हर बरसात में गुरुग्राम में चक्का जाम हो जाता है, जिस हाईवे के ऊपर गाड़ियां रफ्तार भरती हैं वहां कहीं ना कहीं वो रेंगती नजर आती हैं, और दूसरी तरफ जहां गुरुग्राम नगर निगम के ऊपर पूरे शहर की पानी निकासी की जिम्मेदारी, आखिरकार उनके ऑफिस के अंदर भी जो जलभराव है वो देखा जाता है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं बड़े सवाल निशान गुरुग्राम के अधिकारियों के ऊपर खड़े होते हैं। और ऐसे में कहीं ना कहीं जिस तरीके से गुरुग्राम में एक बड़ा हादसा बरसात के पानी की वजह से हुआ, कुछ बच्चे नहाने के लिए वहां गए लेकिन उसी पानी के अंदर वो डूबने से उनकी मौत हो जाती है, तो कहीं ना कहीं अब जिला प्रशासन ने जो पीड़ित परिवार है उनकी शिकायत पर जिस बिल्डर की वो जमीन थी, M3M बिल्डर की वो 3 एकड़ जमीन थी, M3M बिल्डर के जो डायरेक्टर हैं कंपनी के रूप बंसल और बसंत बंसल के खिलाफ गुरुग्राम पुलिस ने मामला दर्ज भी कर लिया है, लेकिन इसके बावजूद भी हर बरसात में ये तस्वीर गुरुग्राम की जनता को देखनी पड़ती है। और साथ ही साथ जिस तरीके से करोड़ों रुपए हर बरसात से पहले कहीं ना कहीं नगर निगम गुरुग्राम GMD गुरुग्राम वो खर्च, क्या लापरवाहियां या क्या कमियां इस बिल्डर की तरफ से आई थी सामने? जी बिल्कुल, जिस तरीके से बिल्डर की मैं बात करूं, बिल्डर की 3 एकड़ जमीन थी जहां पर बिल्डर की ये कहीं ना कहीं कमी रही है कि वहां पर जो बाउंड्री वॉल है वो नहीं कराई गई और साथ ही साथ तार फेंसिंग नहीं कराई गई। यही एक बड़ा कारण है कि बच्चे यदि वहां बाउंड्री वॉल या फिर तार फेंसिंग होती तो बच्चे वहां नहीं पहुंच पाते, लेकिन वो पूरी जो प्रॉपर्टी थी, जमीन थी, वो बिल्कुल प्लेन थी और यही एक बड़ा कारण था। बच्चे नहाते नहाते यानी बरसात के पानी में वो कहीं ना कहीं स्विमिंग करना चाहते थे, इसी के चलते उस पानी के अंदर गए, तो कहीं ना कहीं जो पानी था काफी गहरा था क्योंकि लगातार बारिश हो रही थी। और परिवार की शिकायत पर गुरुग्राम पुलिस ने M3M बिल्डर के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है लापरवाही का, और यही एक बड़ा कारण है कि उस लापरवाही के कारण 6 मासूम बच्चों की जो है जान चल गई। और यह पहला मामला नहीं, इससे पहले भी हम बात करें द्वारिका एक्सप्रेसवे पर बारिश का जो पानी इकट्ठा हुआ था उसके किनारे यानी कि रोड के किनारे एक पानी इकट्ठा था, वहां पर भी एक बच्चे की डूबने से मौत हो गई थी, तो यह पहला मामला नहीं, इससे पहले भी इस तरीके की जो घटना है बरसात के बाद होती रही है, वो चाहे हम बात करें गुरुग्राम के अलग अलग सेक्टर के अलग अलग हिस्से की या फिर दिल्ली जयपुर हाईवे की जहां पर जल भराव की स्थिति देखी जाती है। और दर्जनों गाड़ी पिछली बरसात की मैं बात करूं तो वहां पर कहीं ना कहीं उस बरसात के पानी के अंदर डूब जाती है, तो कहीं ना कहीं जिस नगर निगम पूरे शहर की जिम्मेदारी की वो जल पानी निकासी के प्रबंध करें, लेकिन उसके बावजूद मेरे सहयोगी राजेंद्र भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, राजेंद्र से जान लेते हैं। राजेंद्र देखिए, हमने एक हादसा देखा था अभी जब फरीदाबाद में भी डूबने से मौत का मामला सामने आया, उसके बाद हालात कैसे अब नजर आ रहे हैं, साथ ही उस मामले की बात की जाए तो प्रशासन की तरफ से किस तरह से संज्ञान में लिया गया? सृष्टि बिल्कुल, मैं आपको बता दूं जिस तरीके से लगातार जो है हादसे सामने आ रहे हैं, इससे पहले भी एक व्यक्ति की मौत पानी में गिरकर हुई थी और अब यह दूसरी मौत है जो सेक्टर 81 में पानी में डूबने के कारण उसकी मौत हो गई। कल सबको रखकर नगर निगम के गेट के आगे लोगों ने प्रदर्शन किया, प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने अरेस्ट भी कर लिया। इसका मतलब यह हुआ कि लोग मर भी रहे हैं लेकिन अगर वो आवाज उठाते हैं तो उनको यहां पुलिस की दंश भी झेलना पड़ेगा। साफ तौर पर कहें तो लोगों के लिए परेशानी भरा सफर बरसात के दौरान हो जाता है, और हम यहां इस समय राष्ट्रीय राजमार्ग पर खड़े हैं, आप देख सकते हैं। फिलहाल की अगर बात करें तो आज सुबह से बरसात नहीं हुई है तो कहीं ना कहीं ट्रैफिक भी स्मूथ तरीके से जो है चलता हुआ आपको दिखाई दे जाएगा, लेकिन अगर इसके अलावा हम बात करते हैं अंदर की शहर की तो कहीं ना कहीं अभी भी बहुत जगहों पर गड्ढे हुए पड़े हैं सड़कों में, साथ ही वहां पर से जो निकलने वाले लोग हैं उनको भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। नगर निगम की बात करें तो नगर निगम के अधिकारी करोड़ों रुपया पानी निकासी के नाम पर खर्च करते हैं, लेकिन वो पैसा कहाँ खर्च होता है, सवाल उठता है। आखिर फाइलों तक ही क्यों सीमित रह जाता है? जब भी बरसात होती है पूरा शहर नरक बनकर रह जाता है लेकिन अधिकारियों के कान पर जू तक नहीं रेंगती है। साफ तौर पर कहें तो इसका खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ता है, जिसका नतीजा है कि लगातार लापरवाही के चलते लोगों की मौत हो रही है, लेकिन अभी तक उन
भ्रष्ट और जो दोषी अधिकारी हैं उनके खिलाफ कोई कार्रवाई अभी तक नहीं की गई है, क्योंकि सीधे तौर पर कहें तो पानी भरने का जो ना भरने देने का जिम्मा है वो नगर निगम का है, लेकिन तमाम सड़कों और तमाम गलियों में जिस तरीके से जल भराव होता है और उसके कारण बड़े हादसे होते हैं तो कहीं ना कहीं लोगों के लिए भारी परेशानी ये खड़ी हो जाती है, लेकिन इस परेशानी से किसी का कोई लेना देना दिखाई नहीं देता। हालांकि आज की अगर बात करें तो कहीं पानी नजर नहीं आ रहा है, पूरे रोड खाली किए गए हैं लगातार। अब प्रशासन इस बात को लेकर मशक्कत कर रहा है कि लोगों को कोई परेशानी न हो, लेकिन ये तैयारी अगर पहले से ही हो, क्योंकि जिस तरीके से मौसम विभाग का अलर्ट होता है उससे पहले ही अगर ये तैयारी कर दी जाए तो कहीं ना कहीं लोगों को ऐसी मुसीबतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। बिल्कुल राजेंद्र, और मैं चाहूंगी अगर आम लोग आपके आसपास मौजूद हैं उनसे भी जानिए, क्योंकि देखिए दिक्कतें जो हैं वो ऑफिस जाने वाले लोगों को, स्कूल जाने वाले बच्चों को, तमाम ऐसे जो लोग जिन्हें सुबह घर से बाहर निकलना होता है उन्हें आती है। और अब तो देखा ये भी जा रहा है कि जिस तरह से सड़कों पर जल भराव है, पानी इतना इतना ज्यादा भरा हुआ है, लोग घरों से निकलने से भी घबरा रहे हैं कि अगर बाहर निकले तो कीचड़ में ना गिर जाए, पानी में ना डूब जाए, कोई गड्ढा ना आ जाए सड़क पर जिसमें डूब के मौत हो जाए। राजेंद्र, अपने गंतव्य तक पहुंचना उनके लिए भारी बन जाता है। एक व्यक्ति हमारे साथ, क्या नाम है आपका? सर रमन भल्ला नाम है मेरा। जिस तरीके से जो बरसात हुई है और गड्ढे बने हुए हैं सड़कों में, कितनी परेशानी आपको होती है? सर बहुत ज्यादा परेशानी है, घर से निकला नहीं जाता, निकलने के लिए 50 तरह की चीजें देखनी पड़ती है। अगर रोड पे निकलो पहले पानी है, गड्ढे, कुछ समस्या इतनी सारी है, कुछ सुझाव ही नहीं हो पा रहा नगर निगम से क्या कर रहे हैं, समझ ही नहीं आ रहा किस चीज का भी। क्या मानते हो इतनी बड़ी लापरवाही, लोगों की जान से खिलवाड़ हो रहा है, कई व्यक्ति? अभी सर अभी 3 दिन पहले सेक्टर 21 सी में बड़कल विधानसभा में इतना बड़ा हादसा हुआ, उसके माँ बापों से पूछो, उसके परिवार से पूछो कि आज की डेट में वो किस हालातों से गुजर रहे हैं, और एक ही परिजन था वो सिर्फ कमाने वाला, अब उसके परिवार वाले क्या करेंगे और किस विषय इसमें सरकार क्या करेगी, क्या उसके परिवार को उसकी वो औलाद ला के दे देगी, या उसके घर वालों को उसका बच्चा ला के दे देंगे, या उसके परिवार का घर पालन पोषण कर देंगे? कुछ नहीं कर सकती सरकार, बस सिर्फ नौटंकियां और कुछ नहीं। कहीं ना कहीं सरकार से और प्रशासन से लोगों का भरोसा उठता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि जिस तरीके के हादसे सामने आ रहे हैं उससे लोगों में भारी गुस्सा व्याप्त है, और साफ तौर पर यह गुस्सा जायज भी है, क्योंकि सरकार और प्रशासन का काम है लोगों को सुविधाएं उपलब्ध कराना, लेकिन सुविधाओं के नाम पर लोगों का जीवन नरक बनकर रह गया है। जी सृष्टि, ठीक है, मैं अपने सहयोगी गगन सांगर का भी रुख करना चाहूंगी। गगन, वहां पर कैसे हालात बने हैं? बिल्कुल सृष्टि, देखिए इस समय मैं जहां पर कुदरत बनी हुई थी, मैं अपने सहयोगी को बोलना चाहूँ कि दिखाए किस तरह से जो एक मासूम बच्ची 4 से 5 दिन की थी, और एक दो महिलाएं थी जो 20 साल की और एक 50 साल की, वो इस पेड़ के देख सकते हैं कि बहुत ही विशाल वृक्ष जो है इस पेड़ की चपेट में आने से जो है दो महिलाओं की और एक बच्ची की जो 5 साल की जो मौत हो चुकी, आप देख सकते हैं कि इतना जो विशाल जो वृक्ष और इसके इस पेड़ के नीचे तकरीबन आप देख सकते हैं कि घर के जो 5 सदस्य जो मौजूद थे, और देखा जाए तो दो व्यक्ति थे जो वो निकल गए थे किसी तरह, और महिलाएं थी जो दो दब उसके नीचे ही दबी की दबी रह गई, और कहीं ना कहीं देखा जाए तो मैं आसपास के जो उनके अधिक जो लगातार जो लोगों के अंदर देख सकता कि डर का माहौल जो है बना हुआ है, जो आस पड़ोस के लोग उनके रिश्तेदार हैं किस तरह से सहमे हुए हैं लगातार। देखिए सुबह से उन्होंने कुछ भी नहीं खाया था, लेकिन जब प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा उनके लिए खाने की व्यवस्था भी की जा रही है, तमाम जो अधिकारी है जो लगातार जो यहाँ पर पहुंच रहे, और कहीं ना कहीं देखा जाए तो लोगों के जिस तरह से एक गम का माहौल भी हो चुका है, क्योंकि देखा जाए तो 4 से 5 दिन की जो है बच्ची थी, और कहीं ना कहीं प्रशासनिक अधिकारी भी जो है पहुंच रहे, और देख सकते हैं कि कितना जो विशाल रिश्ता झोपड़ियों के ऊपर गिर गया, और कहीं ना कहीं देखा जाए थे कब से ये रह रहे थे यहाँ पर, और इसका जिम्मेदार किसको माना जाए? बिल्कुल सृष्टि, देखिए लोगों से बात हुई है तो उनका कहना है कि 20 साल से तकरीबन जो है लोग यहाँ पर रह रहे हैं, और कहीं ना कहीं देखा जाए तो उनको अंदाजा भी नहीं था कि इस तरह की जो आफत जो उनके ऊपर गिर जाएगी, क्योंकि क्योंकि और भी झुग्गी जो है पास में है, तकरीबन लोगों के अंदर अब डर भी बना है, लोग जिस तरह से सहमे हुए भी देखने को मिल रहे, और आप देख सकते हैं कि इस समय मौसम भी खराब होता है नजर आ रहा है, क्योंकि लगातार जो है पूरे प्रदेश के अंदर जो है बरसात जो है चल रही है, और कहीं ना कहीं देखा जाए तो और भी जो तमाम वृक्ष आप देख सकते हैं, मैं दिखाना चाहूंगी और भी तमाम जो वृक्ष हैं जो बहुत ही मजबूत है, काफी बड़े वृक्ष जो यहाँ पर मौजूद है। जी
ठीक है, आपसे और जानकारी लेंगे, लेकिन इस बीच मैं संजय का रुख करना चाहूंगी। संजय देखिए, आप कह रहे थे कि नगर निगम की लापरवाहियां बार बार सामने आती है लेकिन उसमें सुधार नहीं होता, कमियों को दुरुस्त करने में कहीं ना कहीं नगर निगम जो है जुटता हुआ नजर नहीं आता। अभी मौसम विभाग ने कहा है कि इस तरह का जो मौसम है वो आगे भी रहने वाला है, तो क्या अब माना जाए कि इस तरह की जो परेशानियां हैं आगे भी दो चार लोगों को इससे होना पड़ेगा, खासतौर पर अगर जाम जैसी समस्याओं की बात करें? जी बिल्कुल सृष्टि, गुरुग्राम की बात करूं या फिर गुरुग्राम नगर निगम की बात करूं, हर बरसात से पहले यहाँ जब भी मौसम विभाग अलर्ट जारी करता है उससे पहले जरूर तमाम जो अधिकारी हुंकार भरते नजर आते हैं और साथ ही साथ कहीं ना कहीं जनता से वो लुभावने वादे करते हैं कि इस बार बरसात में गुरुग्राम में जल भराव की स्थिति नहीं देखी जाएगी, जाम नहीं लगेगा, हमारा पूरा प्लान हमने तैयार किया हुआ है, रोड मैप तैयार किया है, लेकिन हर बरसात में कहीं ना कहीं वो जो कमिटमेंट है वो बरसात के पानी में धुलती नजर आ रही है। ये एक बड़ा कारण कि गुरुग्राम की सड़कों के साथ साथ ग्राम दिल्ली जयपुर हाईवे पर भी कहीं ना कहीं अब घंटों लोगों को जाम में फंसना पड़ता है, क्योंकि जिस तरीके से लगातार मैं गुरुग्राम की नगर निगम की बात करूं, दर्जनों पंप जरूर लगाते हैं, ट्रैक्टर पंप की पानी वहां से निकाल लिया जाए, लेकिन उसका तब भी कहीं ना कहीं नगर निगम उसमें पिछड़ता नजर आता है, क्योंकि जिस तरीके से वाशियापुर ड्रेन की मैं बात करूं जो कि सीधा नजफगढ़ से कनेक्ट हो रही है, जब तक उसका कार्य पूरा नहीं होगा, क्योंकि पिछले 5 साल से लगातार वाशियापुर जो ड्रेन है उसका कार्य जारी है लेकिन अभी तक वो पूरा नहीं हो रहा, क्योंकि ठेकेदार और कहीं ना कहीं जो अधिकारी की लापरवाही के चलते वो अभी अधर में लटका हुआ है। यदि जब तक वाशियापुर ड्रेन का कार्य नहीं होगा तो उससे पहले गुरुग्राम में जो हालात है 10 के 10 बने रहेंगे, क्योंकि लगातार पानी निकासी की कोई योजना या फिर मैं बात करूं कोई अच्छे इंतजाम नगर निगम गुरुग्राम या फिर गुरुग्राम प्रशासन द्वारा नहीं किए गए। यही एक बड़ा कारण कि चंद मिनटों या चंद घंटों की बरसात के बाद गुरुग्राम की सड़कों पर जल भराव देखा जाता है, तो जिसके बाद कहीं ना कहीं तमाम लोगों को असुविधा का शिकार होना पड़ता है, चाहे वो जाम की बात करूं या फिर जल भराव की बात करूं। हाल ही में हम बात करें जो बरसात में गुरुग्राम के मिनी सेक्ट्रेट की जो दीवार है या फिर पिल्लर है कहीं ना कहीं वो भी क्षतिग्रस्त हो गए, उनमें बड़ी बड़ी दरार आ गई हैं, तो कहीं ना कहीं लगातार बरसात के बावजूद भी जिस मिनी सेक्ट्रेट के अंदर सैकड़ों बड़े अधिकारी बैठते हैं, आखिरकार बरसात में उस पूरे इमारत में कहीं ना कहीं अब आप देख सकते हैं कि दरारें या फिर हम बात करें वो आ गई है, तो उसके साथ साथ गुरुग्राम के सेक्टर 38 के एक जो घर की जो दीवार है वो भी ढा गई दिया जा रहा है बड़े हादसे को। जी बिल्कुल, स्वाभाविक सी है, जिस तरीके से लगातार जब सरकारी दफ्तर का यह हाल है तो उसके साथ साथ मैं सेक्टर 38 और 39 की बात करूं, वहां पर भी एक घर की जो दीवार है बरसात में ढह गई, तो ऐसे में कहीं ना कहीं बड़े हादसे होते जाने, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ पानी निकासी के कारण ही। क्योंकि तमाम जानकारी देने के लिए इस बीच मौसम विशेषज्ञ डॉक्टर चंद्र मोहन भी मेरे साथ जुड़ गए हैं, बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज पर। सबसे पहला सवाल मेरा यही है, क्योंकि जिस तरह से मौसम ने करवट ली है, मॉनसून ने यू टर्न लिया है, अभी कितने टाइम तक इस तरह का मौसम बना रहने वाला है? देखिए सृष्टि, जो पिछले दिनों 19 तारीख को जो लो प्रेशर एरिया बना था तो उससे अपने हरियाणा एनसीआर दिल्ली पर 21-22 तेज को भारी बारिश हुई थी, जो पूरे मॉनसून में नहीं हुई और 3 दिन में बारिश हुई। इसी प्रकार से जो अभी लो प्रेशर एरिया बना 3 तारीख को बंगाल की खाड़ी में, तो उसकी वजह से हमारे हरियाणा पर 7 तारीख को एक सर्कुलेशन बन गया था, जिसकी वजह से उस सर्कुलेशन में बंगाल की खाड़ी से तो नमी अरब सागर से भी इस सर्कुलेशन को प्रचुर मात्रा में नमी मिली, जिसकी वजह से 7 तारीख को शाम से ही उसका प्रभाव हरियाणा एनसीआर पर आ गया था। 7 तारीख को, 8 तारीख को 9 और आज पीछे 10 और आज 11 को भी एक वैसे तो ये सिस्टम आगे बढ़ गया है यूपी से होता हुआ उत्तराखंड पर, परंतु आज एक नया पश्चिमी विक्षोभ की वजह से हमारे हरियाणा के उत्तरी जिले जिसमें अंबाला, पंचकुला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, कैथल, करनाल साथ में हिसार तक भी अभी बारिश की गतिविधियां चल रही हैं और आज शाम तक काफी जिलों में बिखराव वाली बारिश की स्थितियां देखी जाएंगी। तो इस प्रकार की जो लो प्रेशर एरिया, क्योंकि 30 सितंबर को मानसून की विदाई हो गई थी हरियाणा एनसीआर दिल्ली से, परंतु इस मौसमी प्रणाली में फिर से यहाँ पर पूर्वी नमी वाली पवनों का आगाज हो गया, जिसकी वजह से ये गतिविधियां हो रही हैं। परंतु अब राहत की बात यह है कि अभी एक एंटी साइक्लोन बनने जा रहा है राजस्थान पर,
जिसकी वजह से ये मानसून की जो गतिविधियां थोड़ी रुकावट होगी, परंतु आने वाले समय में यानी ये मान के चले 25 अक्टूबर के बाद फिर से एक बारी पश्चिमी विक्षोभ का तांडव स्टार्ट हो जाएगा, तो जिसकी वजह से भी इस प्रकार की गतिविधियां जारी रहेंगी। जी गतिविधियां जारी रहेंगी, लेकिन डॉक्टर चंद्रमोहन यहां पर एक बात और गौर करने वाली है कि इस बारिश से फायदा ज्यादा किसी को होता नजर नहीं आ रहा है, इससे नुकसान ही नुकसान, किसानों को भी नुकसान है, सड़कों की हालत देख ली जाए, जल भराव की स्थितियां हो रही हैं, लोगों को दिक्कतें आ रही हैं। जी देखिए आमजन को इस प्रकार की जो बेमौसमी बारिश होती है, आमजन को भी किसान को भी इसका नुकसान तो होता ही है। अब जैसे देखिए हमारे यहाँ कटाई का सीजन चला हुआ था और लगभग किसानों ने कटाई तो कर ली थी, परंतु जो माल था वो मंडियों पर पहुंचाया गया था, तो उसकी वजह से मंडियों में अच्छी तरह की जो व्यवस्था नहीं थी उनको स्टोर करने की, जिसकी वजह से जो माल था उसमें काफी नुकसान हुआ है। परंतु इस बारिश का आने वाले समय में जो रबी की जो फसलें होंगी ये उसके लिए वरदान साबित होगी, क्योंकि इस प्रकार की बारिश से रबी की जो भी फसलें होंगी उसमें काफी फायदा होगा। जो नमी है या जो पानी में किसान पैसा लगाता है उसमें उसकी बचत होगी। चलिए तो जहाँ कुछ नुकसान हुआ है वहाँ पे थोड़ा फायदा होने की भी उम्मीद हम आगे कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर चंद्रमोहन जी जुड़ने के लिए, और मेरे तमाम सहयोगी मेरे साथ जुड़े उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही।